दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने परिवार जन के संग सुख समृद्धि से रह रहे होंगे। इससे बड़ा शुभ संकेत अब आपको क्या मिलेगा, अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में होने वाला है एक बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आज की इस वीडियो को यदि आप नजरअंदाज करने की गलती करेंगे तो दोस्तों आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर शायद ही कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि अब आप लोगों का सुनहरा समय शुरू होने वाला है। कोई नकारात्मक बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बता दें अगले 3 दिनों के अंदर 5 बड़े कार्य आपके बनने वाले हैं, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को ये भी बता दें कि आज का ये समय आपके लिए खास है, महत्वपूर्ण है, और हम आप सभी के लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आए हैं जिसे आप खुशखबरी कह सकते हैं, और एक ऐसा राज लेकर आने वाले हैं जिसमें दोस्तों आप लोगों ने सबसे छुपा करके देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपसे निवेदन है, आप इसे अगर अकेले देखें तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों बिल्कुल अकेले में देखिएगा, आपसे निवेदन है, थोड़ी जानकारी ऐसी होती हैं जो आप अकेले में देखें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हम ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस इसीलिए कह रहे हैं कि जब व्यक्ति शांत होता है, जब अकेले होता है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों जो राज की बात हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं वो खास है। जानकारी के लिए ये भी चीज़ आप लोगों को बता दें कि किस्मत एक नया अध्याय यानी कि एक नया मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी ये बात तो जानते ही हैं कि अंतरिक्ष के सभी ग्रह अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं, यहाँ तक कि दोस्तों सूर्य और चंद्रमा भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों की जिंदगी का एक सुनहरा और सफल शुरू होने वाला है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से और भगवान श्री नारद जी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मिलने वाले हैं कुछ खास और बड़ी खुशखबरियां। दोस्तों एक प्रकार से हम आप सभी को बता दें, आप यूं कह सकते हैं कि आप लोगों को मिलने वाली हैं 5 बहुत बड़ी खुशखबरियां, जो कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने में सफल रहेगी। जानकारी के लिए हम आप सभी को ये भी बता दें कि आपकी मेहनत का दुगना फल अब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। यदि दोस्तों आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान आप लोगों की खाली झोली भी भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अगले इन दिनों में आप लोगों के दिल में एक नहीं दो नहीं बड़े बड़े 5 परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होने वाले हैं। दोस्तों आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप दोस्तों हर कार्य में सफल हो पाएंगे। इसके समय दोस्तों आप लोगों के लिए जो रहेगा दिनचर्या के लिए जो ये नैतिक मूल्य कर्तव्य आपका बड़ा है, बता दे दोस्तों कि प्रमुख परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन उसे इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों वास्तव में आपकी आय करने के साधनों में भी वृद्धि हो सकती है। दोस्तों आप ऐसे कार्यों में भी लिप्त हो सकते हैं जिससे दोस्तों आप लोगों को आप अच्छी तरह से करना चाह रहे थे कार्य को, लेकिन दोस्तों आपने शायद सपने में भी ये बात नहीं सोची थी कि ऐसा बड़ा मौका आप लोगों को मिल सकता है, ऐसा अवसर आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों अपने कार्यस्थल में आप लोग नए कार्य कर सकते हैं, नए दृष्टिकोण के साथ में आप अग्रसर हो सकते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे वहाँ पर दोस्तों जितने भी यानी कि जितने भी अधिकारी हैं उन सभी की नज़र आप लोगों की तरफ रहने वाली है, इसीलिए दोस्तों आज आप अपने कार्यों पर अच्छे से ध्यान लगाएं, तन मन से कार्य करें, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मौका ना दें, क्योंकि दोस्तों आज आपके प्रमोशन आदि के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सोच विचार करना आपके लिए सही रहेगा, और आपके प्रमोशन होने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। देखिए दोस्तों आपको बता दें, आपका मूड थोड़ा बदलता रह सकता है, थोड़े से उदास रह सकते हैं, इसका कारण आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा आप क्यों महसूस कर रहे हैं।
और दोस्तों, इस स्थिति से आप लोगों को किस प्रकार से बदलना है, इसके सभी व्यवहार से हम आप लोगों को बताने वाले हैं और दूसरे भी थोड़े उलझन में इस चीज़ से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, हर स्थिति में आप लोगों को ईमानदार बने रहना है, क्योंकि इसी से आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको सब चीज़ों में थोड़ा हल्के में लेने की आवश्यकता है। खुद को निरीक्षण की भूमि तक आपको सीमित रखें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, छात्रों के लिए समय काफ़ी अच्छा है, बहुत अनुकूल है। दोस्तों, इस समय आप लोग किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए आपका समय काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। सफलता आप लोगों के साथ है। दोस्तों, आपको बता दें, कार्यस्थल में एक सकारात्मक दिन आप लोगों का रहने वाला है। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, तो आप अपने उच्च अधिकारियों से बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के घर में खुशियां दस्तक देने वाली है। नए मेहमान आज आप लोगों के घर में आ सकते हैं, जिससे आपका धन थोड़ा खर्च हो सकता है और इसी में दोस्तों आप लोग काफ़ी हद तक व्यस्त रहेंगे। दैनिक दिनचर्या भी काफ़ी उत्तम रहने वाला है। दोपहर के बाद में आप नए कार्यों की शुरुआत ना करें, क्योंकि दोस्तों, नए कामों के लिए दोपहर के बाद का जो ये समय है वह उत्तम नहीं है। दोस्तों, पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की आप शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे खास और ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि आज आप लोगों के बड़े भाई के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा हो सकता है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों के घर के सभी सदस्य काफ़ी हद तक खुश नज़र आने वाले हैं। करियर में दोस्तों सुधार होने की भी उम्मीद दिख रही है। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों के अंदर कुछ अहम की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप लोगों को थोड़ा बचने की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान ग्रह स्थिति आप लोगों के लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। दोस्तों, आप अपने अंदर थोड़ी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग कर लें। दोस्तों, आज कुछ धनदायक स्थितियाँ भी आपके पक्ष में हैं। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएँ भी निकट भविष्य में काफ़ी हद तक शुभ भविष्य प्रदान करने वाली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। दोस्तों, आने वाले अगले दिनों में यदि कोई मौका आप लोगों के हाथ में लगता है तो उसे हाथ से मत निकलने दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मौके आपके हाथ से फिसल सकते हैं, निकल सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी आप लोगों के लिए परेशानियों का केंद्र बन सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ही विशेष रूप से ध्यान लगाएं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस समय व्यवसायिक स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, स्टाफ और कर्मचारियों पर भी आप लोग को ध्यान रखना है। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशे व्यक्तियों के भी तरक्की के योग नजर आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परंतु स्थितियां भी दोस्तों आप लोगों को थोड़ी संभालनी होंगी। प्रेम संबंधों के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे। आज का दिन आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। कोई भी निर्णय लेते समय आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए, इससे आप सुचारू रूप से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। दोस्तों, आज का दिन आप लोगों को अपने महत्वाकांक्षाओं में अपने कार्य को पूरा करने का समय है। मनोयोग से आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ये समय अपनी लव लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि में दूसरे का हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें। यदि कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल भी रहा है तो आज आपको उसको गंभीर रूप से सुचारू रहना है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने करियर और पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, आपके लिए जो समय रहने वाला है, दिनचर्या के लिए जो समय रहेगा, ये समय व्यवसायिक संपर्कों का दायरा और बढ़ाने से बेहतरीन परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी जैसी स्थितियां भी आप लोगों के लिए हैं। मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को भी और अधिक समझने में थोड़ा समय लगाएं, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय रहेगा, आपके दिनचर्या के लिए जो समय रहेगा, इस समय आप अपने कार्य तय समय पर करने की कोशिश करें। इससे आप अपनी कार्य प्रणाली को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास का भी अनुभव होगा। दोस्तों, अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से रूप देने की भी इन दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अपनी मेहनत के परिणाम विलंब से मिलने की चिंता ना करें तथा उचित समय का
इंतज़ार करें। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।